दंतेवाड़ा में उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर भाजपा के नेता अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने और प्रचार करने पहुंचे हुए थे। चुनाव प्रचार शाम के 3 बजे खत्म होने के बाद ओपी चौधरी जगदलपुर अपने साथियों के साथ वापस लौटे और मां दंतेश्वरी के दर्शन किए। इसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटे से गुपचुप ठेले में गुपचुप और चाट का उन्होंने आनंद लिया। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई नेता या बड़ा अधिकारी किसी छोटे से होटल में नाश्ता करे या फिर चाय की चुस्की ले, मगर पूर्व कलेक्टर और भाजपा नेता ओपी चौधरी ने चाट के ठेले पर गुपचुप खाकर बाकी अधिकारी और नेताओं को यह सीख देने की कोशिश की है कि स्वाद लेने के लिए बड़े होटल में ही नहीं छोटे होटल भी जाना चाहिए। जब हमारे संवाददाता विजय पचौरी ने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जगदलपुर में गुपचुप खाने के बाद मुझे बचपन की याद आ गई। उन्होंने कहा कि मैं कलेक्टर पद में रहने के बाद भी इसी प्रकार से छोटे होटलों में जाकर नाश्ते और चाय की चुस्की लिया करता था। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और हमेशा ही छोटे होटलों का स्वाद लेना ही पसंद करता हूं। इससे मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। अभी हम लोग दंतेवाड़ा उपचुनाव के लिए प्रचार में गए थे। आज 3 बजे प्रचार का काम खत्म हो गया, उसके बाद वापसी में जगदलपुर पहुँचे हैं और माँ दंतेश्वरी के दर्शन यहाँ मंदिर में किए हैं। उसके बाद ये गुपचुप के ठेले लगे हुए हैं, तो हमेशा इसका एक अलग टेस्ट होता है। इंडिया का एक अपना एक अलग संस्कृति है हमारे भारत देश की, तो और एक इसका अपना स्वाद भी है, तो उसका मैं हमेशा लुत्फ उठाता रहा हूँ बतौर कलेक्टर। उससे पहले भी जब छोटे छोटे थे तब भी कलेक्टर रहते थे तब भी और आज भी। और ये भी कहना चाहूँगा कि राजनीति के हिसाब से इस तरह के जगहों पे आप एक आम तरह से सामान्य तरह से जब हम जाते हैं तो एक रियल फीडबैक, लोगों की रियल भावना, उनकी वास्तविक सोच क्या चल रही है अपने पार्टी के प्रति, अपोजिशन के प्रति, वॉट एवर, तो वो सारी चीज़ें जानकारी मिलती हैं, ज़मीनी जानकारी मिलती है। इनमें जो भी मेला होता था, जो बाहट बाज़ार होता था हर हफ्ते जो लगता था, उसमें पैसे बचा बचा के हम रखते थे और उस दिन हम खूब गुपचुप खाते थे और एक दो गुपचुप वाले स्कूल टाइम में और सब टाइम में एक दो गुपचुप वालों पास उधारी का भी उधारी चलती थी और उनको जब भी पैसा मिलता था घर से तब चुकाते थे लोगों को। नहीं, मैं तो मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। मैं बचपन में छोटे से गाँव से ही पढ़ कर निकला हूँ, तो इस तरह की ज़िंदगी जीता रहा हूँ मैं, और कलेक्टर रहते हुए भी मेरी जीवनचर्या कभी बदली नहीं, और अभी राजनीति माने के बाद तो ये जीवनचर्या और भी अच्छी लगती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका अपना स्वाद है और हमारे देश की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और इसको हमेशा हमको इंजॉय करना है।